दोस्तों फहीम राव आपका दोस्त। जैसा कि आपको मालूम है कि हम टेक्सटाइल क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम आपको नहायत ही अहम टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों अगर आप फैब्रिकेशन कटिंग डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको स्क्यू बोइंग की परसेंटेज निकालने का फार्मूला मालूम होना चाहिए। आज हम आपको स्क्यू बोइंग की परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो रोल आप चेक कर रहे हैं, फैब्रिक रोल की विड्थ का पता होना ज़रूरी है कि फैब्रिक रोल की विड्थ कितनी है, फिर ही आप मालूम कर सकेंगे उसकी परसेंटेज। दूसरे नंबर पे आपने जब उसकी कंटिन्यूटी उतारनी है फैब्रिक रोल से, तो उसमें आपने स्क्यू बोइंग चेक कर लेनी है कि इंचज में कितनी है, 2 इंच है, 3 इंच है या 4 इंच है, कितनी है, वो आपने अपने स्केल से मेजर करके लाजमी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2.75 की स्क्यू बोइंग आ रही है, तो उसका आपने परसेंटेज कितना निकालना है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्क्यू बोइंग की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अपने हेड ऑफ डिपार्ट को इतला करते हैं, तो वो आपसे परसेंटेज के बारे में पूछेंगे। तो परसेंटेज का फार्मूला मालूम होना ज़रूरी है, वो आज हम आपको बताएंगे और लिख कर भी दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह याद आ जाए। दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रोल की विड्थ को चेक करना है, उसकी विड्थ कितनी है। उसके बाद आपने जो कंटिन्यूटी उतारनी है उसकी स्क्यू बोइंग इंचज में चेक करनी है कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपने मेजर की है स्क्यू बोइंग 2.75 है, तो आपने उसको डिवाइडेड बाई टोटल विड्थ पे करना है। फॉर एग्जांपल आपके रोल की विड्थ है 92, तो आपने 2.75 डिवाइडेड बाई 92 करना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे आपने निकालना है। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर सिक्यू पॉइंट 2.75 है, इसको आपने डिवाइडेड किया, 92 टोटल विड्थ है और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, तो ये 2.98 परसेंटेज निकल आई है, जो कि ज़्यादा है, इसको आपने होल्ड करना है क्योंकि 2 इंच से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।